हेलो स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गजानंद। आज हम लेके आए हैं कक्षा 11th के लिए। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड ने जो है COVID-19 के कारण जो क्लासेस देरी से शुरू हो रही है, इसलिए 40% सिलेबस को कम कर दिया है। तो हम स्पेशली भौतिक विज्ञान कक्षा 11th के लिए 40% सिलेबस से क्या कम किया है और अब क्या क्या बचा है वो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट। फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियोज क्लास 11th व क्लास 12th के लिए आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा क्लास 11th भौतिक विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं वो हम देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले है इकाई क्रमांक यानी यूनिट संख्या फर्स्ट, और पहला चैप्टर है भौतिक जगत। तो इसमें भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार, प्रौद्योगिकी, समाज, भौतिकी का योगदान, ये सब टॉपिक तो हटा दिए गए हैं। कुछ टॉपिक है वो बचे हैं, लेकिन फर्स्ट यूनिट में जो सेकंड चैप्टर है वो नहीं हटाया गया है, उसमें से एक भी टॉपिक भी नहीं हटाया गया है। तो आप देख सकते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्लास 11th पूरा बेसिक है 12th के लिए। यदि आप क्लास 11th में नहीं पढ़ेंगे तो ये गारंटेड बात है 12th आपको नहीं समझ में आएगी। क्लास 11th में भी खासकर आप स्टार्टिंग 2 से 3 महीने आपको जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। 2 से 3 महीने आप मेहनत कर लेंगे, उसके बाद में आपको आदत हो जाएगी, चीज़ें भी आपको समझ में आने लग जाएगी। इकाई क्रमांक द्वितीय यानी सेकंड यूनिट का जो थर्ड चैप्टर है सरल रेखा में गति, उसमें निर्देश तंत्र, दूरी, विस्थापन, चाल, त्वरण, ये सब बताया गया है। साथ में ही क्लास 9th में ये टॉपिक हमने पढ़े हैं, और 11th और 12th के लिए दूरी व विस्थापन, चाल व वेग ये हमें आने ही चाहिए। इसके लिए वीडियोज है वो अलग से अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप ये वीडियोज भी देखिएगा, इनके बिना जो ये बचे हुए टॉपिक्स हैं वो समझ में नहीं आएंगे। यूनिट सेकंड में जो फोर्थ टॉप चैप्टर है समतल में गति, उसमें केवल एक टॉपिक हटाया गया, एक समानवर्तीय गति। आगे बढ़ते हैं तो यूनिट थर्ड में जो चैप्टर 5th है गति का नियम, उसमें न्यूटन की गति के जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम से रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी हटाई दी गई हैं। 9th क्लास में हमने न्यूटन की गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम पढ़े हैं, 11th में भी हमें पढ़ने चाहिए और पढ़ने पड़ेंगे, तभी हमें यांत्रिकी का भाग समझ में आएगा। तो इसके लिए भी आपको हमारे चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएंगे। फोर्थ यूनिट सिक्स चैप्टर कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, इसमें बल द्वारा कार्य, गतिज ऊर्जा की धारणा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब टॉपिक हटा दिए गए हैं। ऊर्जा संरक्षण नियम भी हटा दिया गया है। ये कुछ एक टॉपिक्स तो आपने क्लास 10th में भी पढ़े हैं, जो बचे हुए टॉपिक हैं वो क्लास 9th में हम पढ़ेंगे। और लेकिन हमें इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कार्य क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ी है वो आनी चाहिए। तो अगर इसके लिए भी आपको वीडियोज हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ एक बेसिक चीज़ें, अगर हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये आगे के जो बचे हुए टॉपिक है वो हमें समझ में आएंगे। 5th यूनिट में कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, तो लंबवत तथा समांतर अक्षों के प्रमेय, ये टॉपिक हटा दिया गया है। 6th यूनिट में गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण की गति के कैपलर के नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय नियतांक और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इनमें से जो कुछ है, जैसे सार्वत्रिक नियम है, गुरुत्वाकर्षण, नियतांक है, ये डेरिवेशन है, ये 12th क्लास में भी आती है आवेशों के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। 7th यूनिट में 9th टॉपिक जो है ठोसों के यांत्रिक गुण, उसमें ये ठोसों के बारे में हटा दिए गए, इजी से टॉपिक है ये हटा दिए गए हैं। फिर 7th यूनिट में जो 10वां चैप्टर है तरलों के यांत्रिक गुण, तरल स्तंभ के कारण दाब, ये टॉपिक हटा दिया गया है। और 11वीं यूनिट में ये द्रव के बारे में, ताप तथा उष्मा, ताप का मापन, उष्मा स्थानांतरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, कृष्णिका विवरण, विकिरण, ये सब हटा दिए गए हैं।
और यूनिट 8 ऊष्मा गति में ऊष्मा इंजन प्रशीतक ऊष्मा पंप ये हटा दिए गए हैं। तरंगों में अप्रगामी तरंगे सामान्य विधाएं और डॉपलर प्रभाव, तो ये 10 यूनिट में ये टॉपिक हटा दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि क्लास 11th में 40% हटाने के बाद जो 60% सिलेबस हमें मिला है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये देखिए, पहला जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत में केवल हमें प्रकृति में मूल बल पढ़ना है। चार मूल बल हैं, इनका वीडियो जो है वो आपको कल से कंटिन्यू हमारे चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट, उस पर आपको ये मिल जाएगा, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पे। फिर देखिए, जो मैंने बताया था कि फर्स्ट यूनिट में जो सेकंड चैप्टर है उसमें एक भी चीज़ नहीं हटाई गई है, तो ये चीज़ें क्यों नहीं हटाई गई है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बात करें विमाओं की, ये जो विमाएं हैं ये क्लास 11th से शुरू होती है और जब तक आप साइंस से जुड़े रहेंगे, फिजिक्स से जुड़े रहेंगे, तब तक विमाएं आपको आएंगी और आनी ही चाहिए। तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी, यहाँ तक कि IAS, IES, RAS के एग्जाम्स में भी इसका क्वेश्चन मिल जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, चैप्टर है, इसलिए इसको ढंग से हमें पढ़ना है। फिर जो दूसरी यूनिट में सरल रेखा में गति, समतल में गति, उसमें ये सब टॉपिक्स हैं, तो वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा करते हम, छोटा रखते हैं। तो ये सब यूनिट्स हमें पढ़नी है। और ये जो चैप्टर है जिसकी मैं बात कर रहा था, कणों का निकाय की गति तथा घूर्णी गति, JEE और नीट एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो इसी चैप्टर से नहीं, आगे के चैप्टर से भी संबंधित रहते हैं। तो ये सब, और गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वीय त्वरण के मान, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई, ये जो डेरिवेशन जो बची हुई है आदि की, इनमें से लगभग आधी डेरिवेशन क्लास 12th में आवेशों के कारण आ जाएगी। गुरुत्वाकर्षण किसके कारण होता है? द्रव्यमान के कारण। तो जहाँ m होगा क्लास 12th में, वहाँ पर q हो जाएगा, डेरिवेशन सेम ही रहेगी। तो आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये 11th और साथ में 12th के लिए। और ये फिर 9th और 10th और 11th यूनिट में बचे हुए टॉपिक्स हैं, ये उष्मा गति की और अणुगति की सिद्धांत है। तो अगर आप देखोगे तो जैसे कई सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर से पूरे के पूरे चैप्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चैप्टर्स नहीं हटाए गए हैं, सारे चैप्टर्स हैं, क्योंकि फिजिक्स में सब इम्पोर्टेंट है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोर्स भी इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि हर टॉप चैप्टर जो है वो एक चैप्टर से जुड़ा हुआ है। पहला चैप्टर अगर आपको समझ में आएगा तो दूसरा आएगा, पहला चैप्टर नहीं समझ में आएगा तो दूसरा समझ में नहीं आएगा, दूसरा समझ में आएगा तो तीसरा समझ में आएगा। तो आप बने देखते रहिए, आप पढ़ते रहिए, गैप मत डालिए अपनी पढ़ाई में। सिलेबस की अगर हम यूनिट की बात करें तो ये पूरा आपको यूनिट वाइज भी बता दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट, पांच यूनिट। पहली यूनिट में 2 चैप्टर हैं, 4 नंबर की है। दूसरी यूनिट के अंदर ये दूसरा चैप्टर है, 2 चैप्टर है, सरल रेखा में गति, समतल में गति। तीसरी यूनिट में केवल 1 चैप्टर है, चौथी यूनिट में भी 1 चैप्टर है, पांचवी यूनिट के अंदर भी 1 चैप्टर है। ये देखिए जो मैं बता रहा था, 9 नंबर का ये यूनिट है, इतनी इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो ये हमें 1x1 आपको हमारे चैनल पे भी सब कुछ मिल जाएगा। 11th क्लास के लिए 70 नंबर का ये पेपर होगा 11th क्लास के लिए। तो ये आज का हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल है हमारा पीसी स्टडी पॉइंट, आपको ऑल दी वेरी बेस्ट हमारे चैनल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।